दोस्तों दिल्ली चोणों के नतीजे साढ़े सामने ने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फिर बेमिसाल जित हुई है। तीजी बार उन्हें जो सत्ता से कब्ज हुई है। पिछली बार 67 सीटा से ऐतकी 62 है, 5 सीटों का नुकसान होया। लेकिन यह जित जो अपने आप के मायने रखती है, जित के कई सारे सबक है। इनू ये बारे संजीदा होकर सोचने की भी लोड़ हैगी है। खासकर दिल्ली में एक पूरा जो माहौल सगा, घट्टो घट्ट असी महीने तो देख रहे थे, लगातार सत्ता दे विच केंद्र दे विच राज करती हुई BJP उन्हें जिस ढंग नाल पोलराइज किया, सारी अपनी जिहड़ी खेड है वो शाहीन बाग तक ले आई, फिर वो जिहड़ा खेड जिहड़ी हिंदू मुसलमान तक ले आई, वो जिहड़े मंत्री शरेआम जिहड़े हैगे आ नारे लाउंदे रहे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जां फिर केजरीवाल नूं अतवादी कहना, इस तरह दी तमाम गल्लां हर हल्के पद्धर तक दी, जां फिर अमित शाह दा शाहीन बाग बारे बयान, किसे दा ये कहना कि BJP दे संसद दा प्रवेश वर्मा वर्गे दा कि जे जिहड़ा ऐतकी दिल्ली दे विचों तुसीं असीं चोणां हार गए BJP वाले, तां तुहानूं नरेंद्र मोदी ते अमित शाह भी बचाउण वाले नहीं होणगे, क्योंकि शाहीन बाग वाले बंदे तुहाडे घरां दे विच जा के तुहाडियां औरतां नाल रेप करनगे वगैरह वगैरह। यह सारा गंद जिहड़ा लगातार वकिया गया उत्थे इन्हां चोणां दे विच। लेकिन दूजे पासे केजरीवाल जे भावें कि संजीदा मुद्दे से जिवें कि सैकुलरिज्म का मुद्दा हो गया जां फिर शाहीन बाग का मुद्दे तो बच के तो लंघता रहा, लेकिन उन्हें अपनी पूरी जिहड़ी ध्यान है वह फोकस किया अपने विकास उत्ते कि मैं दिल्ली लई आह काम किया। इत्थे लोगों ने भी इहदे तों पता लगा कि दिल्ली दे विच लोक सभा दे विच जे आम आदमी पार्टी 70 सीटा हार गई सी लोक सभा दियां, ते 70 सीटा BJP जित्तियां सी। ऐतकी BJP नूं असीं देखिया वोट परसेंट थोड़ा वधिया, सीटा भी वध गईयां ने, 3 सीटा तो मान लो कि 8 सीटा हो गईयां। कांग्रेस पार्टी का होर नुकसान होया, होर हालत पतली हुई है, लेकिन इन्ना कुछ तो भी करन होने के बावजूद पूरा जिहड़ा हैगा पूरा मंत्री मंडल, किन्ने संसद, प्रधानमंत्री के दौरे, अमित शाह के दौरे, वो बावजूद भी, क्योंकि ये फिर की जिहड़ा हैगा सिर्फ 5 सीटा लैन 8 सीटा लैन लई ये मतलब दौड़ नहीं सी आम आप BJP की, उस जितन लई फिर भी मतलब ये साबित होया कि इन्नी पोलराइज होने के बावजूद भी लोगों ने जिहड़ा हैगा वह ध्यान केंद्रित किया है लोकल मुद्दों के उत्ते, स्थानक मुद्दों से। या फिर ये यह भी सबक निकलता कि लोग ने जोड़े स्थानक चोणों के स्थानक मुद्दों उत्ते वध ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्होंने अपनी मुढ़लियां सहूलत चाहिए ने, बिजली की सहूलत, पानी की सहूलत, सिक्ख्या की सहूलत, उन्होंने इस नफरत की सियासत को तिलांजलि भी दी है। तो एक तरह नाल भी कहा जा सकता कि लोग स्थानक चोणों में स्थानक मुद्दों उत्ते ध्यान केंद्रित वध करते हैं, ये दोवें चीज़ा दोवें फैक्टर देखे जा सकते हैं। हुण एक वड्डा सवाल होर आ जाता, वो आ जाता कि जिहड़ा बहुत सारे लोग केजरीवाल नूं इस तरह नाल देखण लगे हुए ने कि केजरीवाल ही राइट विंग फोर्सिस का मुकाबला करने वाली फोर्स बन सकती हैगी है, ये थोड़ा जिहा ध्यान केंद्रित करन दी लोड़ हैगी है, क्योंकि तुसीं देखो कि वो सानूं बिल्कुल तां नहीं लग रहा भावें कि उन्हें विकास उत्ते केंद्रित किया। विकास उत्ती राजनीति करनी कोई माड़ी गल नहीं, वधिया गल है, सगों अज जो विकास के मुद्दे लोगों के कॉमन मुद्दे उन्होंने गलबात नहीं हो रही, उदों विकास के उत्ते ध्यान करना एक सच्ची मुची अज के समय के जिहड़ा हैगा वा वो एक नवा पक्ष, एक विलखण पक्ष रखना जिहड़ा है हो जाता सियासत दे विच। पर फिरका प्रस्ती नूं ताकत सिर्फ तो सिर्फ तुसीं विकास उत्ते केंद्रित होकर ही नहीं बल्कि सीधे तौर पर फिरका प्रस्ती का विरोध करके असी कर सकते हैं, जो कि केजरीवाल ने नहीं किया। कि केजरीवाल फासिस्ट फोर्स लई लड़न वाली ताकत है, एक बहुत वड्डा सवाल है, क्योंकि तुसीं देखो कि जो जैश उन्होंने अपने जिहड़े हैगे आ आगू आख रहे हैं कि जो BJP ने जय श्री राम एंड वाले दिन करन लगी तो असी बजरंग वाली का नारा लाया, केजरीवाल खुद जितने तो बाद हनुमान मंदिर के मत्था टेकन जाता है। ये तमाम चीज़ा ने जिहड़ियां दिखा रही कि एक तरह का सॉफ्ट हिंदुत्व है, असी जिहड़ा हिंदुत्व दे विरुद्ध जिहड़ा लड़ाई है वो सॉफ्ट हिंदुत्व भी बन के नहीं लड़ी जा सकती। एक जिहड़ी हैगी आ चाहे वह कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व नाल लड़ती रही है, असी उहदा हाल देख लिया, पर उन्हों जिहड़ा हैगा जदों तुसी हिंदुत्व का नंगे चिट्टे तौर पर विरोध नहीं करते, जां तां फिर तुसी जिहड़ा हैगा वा थोड़े जिहे विरोध करने वाली शक्ति नहीं, गाहेब गाहे तुसी उसे नूं ही उहदे ही उहदे मूहरे घुटने टेक रहे हुंदे हो, जां फिर तुसी जिहड़ा हैगा हिंदू तवी कितने ना कितने हुंदे हैगे हो। सो इस करके सानूं नहीं लगता कि वह फासिस्ट ताकत नाल लड़न वाली ताकत हैगी है। दूजे पासे शाहीन बाग के मुद्दे बारे जिहड़ा हैगा वा, ठीक है कि एक दो उन्होंने उम्मीदवारों ने सीनियर आगुआ ने कहा सीगा कि असी शाहीन बाग के नाल, लेकिन केजरीवाल तो बच के निकल आ रहा, भावें कि इहनूं जिहड़ा जोड़ चोणां दा जोड़ घटाओ उहदे विच कोई कह सकता कि सियासी चतुराई हैगी है,
ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਫੋਰਸ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੰਬਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਮੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਹਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸੂਈ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾਰਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਬਚੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਾਦਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ।